अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि हमारी एक लास्ट वीडियो थी जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में चली गई, काफ़ी लोग उसमें बहुत नाराज़ हुए हैं कि आसिफ भाई ने सब बकरे का कारोबार बंद करवा दिया, तो उसके रिलेटेड ही आज मैं टॉपिक पे बात करूँगा इंशाल्लाह। और बीमारियों के रिलेटेड में अपन स्टार्ट में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि काफ़ी लोगों को ये बीमारी के बारे में मालूम था ऑलरेडी, और बहुत लोगों के मैसेज आए मेरे पास, यानी कुछ छोटे मोटे कुछ भी मैसेजेस जैसे आ ही रहे थे कि हमारे इधर ऑलरेडी ये हुआ है, ऐसे कई मैसेज में कुछ मैसेजेस है, मैं वो पढ़ के बताऊँगा। और इंशाल्लाह आगे हम लोग जो थोड़ी सी एक मामला चल रहे मार्केट में मेरे नाम को लेके, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे इंशाल्लाह, पूरी डिटेल देंगे उसकी भी, क्योंकि लोगों की नाराज़गी दूर करेंगे। देखते हैं हमारे भाई लोग हैं कितना नाराज़ होते हैं और क्या है। तो एक मैसेज था गुजरात से। अच्छा, ये चीज़ें गुजरात में भी है मेरी कुछ जगह, एक्चुअली मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता तो कुछ जगह मेरी बात हुई है, तो ये चीज़ें प्रूफ के साथ होती है मेरे पास अभी मैसेजेस आते हैं। और आप जो हमारा कमेंट सेक्शन है, मैं जो स्टार्ट करके रखा हूँ, उसमें आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक 99% पॉजिटिव कमेंट्स हैं और लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि ये बीमारी है। इस बीमारी के ताल्लुक से एक चीज़ खाली मुझे थोड़ी सी क्लियर करनी थी। मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया इसके ताल्लुक से, जैसे कोविड के मामले से मैंने बताया था कि कोविड जैसा कुछ लग रहा है मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड एनिमल हस्बेंडरी से कुछ ऐसे हम लोग के भी कुछ लोगों से कुछ बातें हुई जो उनसे रिलेटेड है, सतारा में है, बारामती में, तो उन्होंने बताया कि कोविड जैसा कोई मामला एनिमल में नहीं आता है, जिसमें बफेलो है, चिकन है और गोट है, हमारी बकरियां हैं, तो इनमें ये चीज़ें नहीं होती है कोविड की। लेकिन ये निमोटाइटिस का बहुत स्ट्रॉन्ग थोड़ा सी देखा जाएगा, निमोनिया का, तो ये एक निमोनिया है, सीवियर निमोनिया जैसा बोला जाएगा, जो लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो ये कोविड नहीं है। इसके लिए मैं शायद उसमें बोला हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी चीज़ें देखो, माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, अपने गलतियों को थोड़ा सी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मैंने ऐसा बताया था, मुझे उस सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि जैसे वैसा ही कुछ सिम्टम, क्योंकि मैं अभी खुद लोगों को मालूम होगा शायद, मैं 15 दिन पहले मैं खुद बीमार होकर रिटर्न आया हूँ। कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, जब बीमारी में आदमी जाता है तो उसको उसके बाद कुछ मालूम पड़ता है, जैसे जो लूज मोशन होता है उसमें कालापन, काला लूज मोशन है, सांसों का चलना, ने दम लगना, तो ये सब चीज़ें हम लोग बकरों में देख रहे थे अभी, इसीलिए वो चीज़ मैं कंपेयर किया था। लेकिन बकरों में और गायों में, भैंसों में, मुर्गियों में ये बीमारी नहीं होती है, ये कंफर्म है, इसकी मेरे पास रिपोर्ट है बाकायदा। किसी को लगेगी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मेरे पास है। तो ये चीज़ तो एक क्लियर हो गई। बाकी लोगों को कितना इसके बारे में मालूम था और लोगों ने मुझे इसका फीडबैक दिया, वो हम थोड़ा सी जानकारी ले लेंगे। एक भाई थे गुजरात से, मैंने बकरियों, इनका है ये मैसेज, आप देखेंगे मैं लिख दिया हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मेरी बकरियों में वायरल हो गया है, मुँह से फीन निकल रहा है, कुछ खा नहीं रही है और नाक से पानी बह रहा है, जो सेम सिम्टम्स हमारे होते हैं वही सेम सिम्टम्स है। अब मैं कौन सी दवाई खिलाऊं? मैंने पहली बार 167 लाख तो नहीं हो सकता, आई थिंक 1,67,000 रुपया हो सकता है, या फिर बोल नहीं सकते कोई का क्या इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 1,67,000 रुपया बकरियां ली थी, 3 तो मर भी गई भाई, ये भी बकरियों का डॉक्टर भी नहीं है यहाँ, तो बकरियों का डॉक्टर भी नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई क्या करें। तो मैं ये मैसेज इसलिए बता रहा हूँ कि गुजरात में भी कई जगह पे बीमारियां हैं। और एक कंफर्म बहुत अच्छी रिपोर्ट ये भी है, मैं जो फार्म वाले का नाम शो नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा नहीं होता है, इसके बारे में भी आगे एक मैसेज है उसमें जवाब दूँगा कि जैसे ब्रीडिंग सेटअप है उनको, वो हर साल बच्चे लाते हैं और साल भर पाल के बच्चे बेचते हैं यानी कुर्बानी में, तो उनका प्रॉपर सेटअप होता है और नाम भी माशाल्लाह उनका काफ़ी है मार्केट में, तो उनके पास भी
अल्लाह माफ़ करे, पौने 200 200, यानी 200 का एक आंकड़ा मुझे जहाँ तक के मुझे मालूम पड़ा है, 200 बच्चे मरे। ऐसा फार्म जो वेल मेंटेन है, हर चीज़ होती है वहाँ पे, वैक्सीनेशन होता है, नया स्टॉक आता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वायरल बहुत, जो निमोनिया का हमारा वायरल है बहुत ज़्यादा इस बार पावरफुल है। और पहले जैसे, पहले के बनिस्बत ये हमारा 106 107 पे आके ख़त्म हो जाता था जो बुखार है, इस बार 108 तक का जा रहा है। ये मेरी नागौर में भी बात हुई थी इमरान भाई से, इमरान भाई ने भी मुझे बताया इस बारे में कि बीमारी बहुत ज़्यादा इस बार अजीब तरीके से आई हुई थी। इमरान भाई के यहाँ तो अल्लाह के फजल करम से बीमारियाँ सब रिकवर हुई, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है राजस्थान का, जो ड्राई क्लाइमेट है। हमारे इधर मॉइस्चर ज़्यादा है, हमारे इधर जो प्रॉब्लम है, हमारे जो आइलैंड है, समंदर है, वो हिसाब से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो बहरहाल गुजरात में भी ये बीमारी फैली हुई है, सिर्फ हमारे बॉम्बे में नहीं है या महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में भी है। तो और दूसरा मैसेज हम देखते हैं आगे का। दूसरा मैसेज एक है हमारे मुजम्मिल शेख भाई है। एक्चुअली मैसेजेस बहुत है, आप उसमें जाके आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, बहुत मैसेजेस हैं। लेकिन मैं कुछ खास ऐसा मुझे लगा कि आप लोगों को बताने चाहिए बीमारियों से रिलेटेड, कि बीमारियाँ कहाँ कहाँ है। ये भाई है मुजम्मिल शेख है, ये बीमारी नासिक में भी है। मैं एक महीने से इस बीमारी से परेशान हूँ, यानी मेरे बकरे एक महीने से इस बीमारी से परेशान है। डॉक्टर और मेडिसिन में 10 से 12 हज़ार रुपया डाल दिए, एक गाबन बकरी मर गई है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही है ज़्यादातर, यानी हम खास अगर किसी को बोल रहे हैं कि ये खाली बम्बई में फैली हुई है या महाराष्ट्र में फैली हुई है और कहीं और नहीं है, तो ये हमारे इधर से है काफ़ी जगह पे मैसेजेस आने के। देखो होता ये है कि जब वीडियो डाले उसके बाद ही लोगों के फीडबैक आए, मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं और इस पे भी आ रहे हैं, तो ऐसे कई मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कंटिन्यू। एक और कमेंट्स है हमारे देसी पबजी गेमिंग, ये शायद आई थिंक हैदराबाद या बेंगलोर से है, क्योंकि मेरी इनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो इनका मैसेज था, मैंने निकाल लिया उसमें से। तो मैसेज है, भाई 2 लाख की बकरियां मर गई, भाई फर्स्ट टाइम ली थी, अब कभी गोट नहीं लूँगा, आई हेट गोट। ये प्रॉब्लम है, लोगों को नफरत हो गई है हमारी बकरियों से, बकरों से, कि बीमारी की वजह से इनका नुकसान हुआ। अच्छा ये हैदराबाद या बेंगलोर के है, मेरे पास इनका व्हाट्सअप मैसेज है और मेरी कॉल पे भी बात हुई थी, लेकिन जो ये मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं अपना यूट्यूब के है उसके ऊपर है। तो बीमारियाँ फैली हुई है काफ़ी जगह पे, तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम लोग अवेयरनेस ना फैलाएँ, जो हमारे कस्टमर है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, मैं अभी भी बताता हूँ, हमारे लिए कस्टमर इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई बकरा बेचने वाला। मेरे बकरा बेचने वाले सारे मेरे छोटे भाई है, सब कुछ है, सब अपनी जगह है, लेकिन मैं आगे कुछ मैसेजेस आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि हो क्या रहा है, जो लोग खुश हैं वो कौन लोग हैं और जो नाखुश है वो कौन लोग हैं, तो वो आगे चल के हम बात बताएंगे। और कुछ बकरे फार्म वाले माशाल्लाह इतना अच्छा फीडबैक उनका आया है हमें कि माशाल्लाह मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, अपना काम बंद किया। जैसे मेरे भाई है आरके गोड फार्म के फैसल, माशाल्लाह मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करता रहता हूँ, बहुत सी चीज़ें होती है, हर चीज़ बीच में भी कई कंट्रोवर्सी हुई थी तो मैं उनसे बात किया था सब मामलात के ऊपर, कि हमें मेन जो टारगेट होता है हमारे कस्टमर होते हैं, हमें उनको सेटिस्फेक्शन देना है, ना कि ये सब चीज़ें मामलात पे। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मैसेज किया था आरके गोड फार्म वाले में, आप देख सकते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, बकरे एक महीने तक कोई भी खरीदी ना करे, बीमार हो, बीमारी हर जगह है, इनका ये एक पॉइंट है, बीमारी हर जगह है। मेरे अलावा भी एक बड़ा गोड फार्म आरके गोड फार्म, उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर किया है कि बीमारी हर जगह है। और हो सकता है शायद फैसल भाई से मेरी आज हाल फिलहाल में बात नहीं हुई है, उनके इधर भी कुछ कैजुअलिटी हुई होगी, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। और वो एक बहुत ही ऐसा बंदा है जो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने में माहिर है, मैं ये सब चीज़ों में मेरे से आगे मानता हूँ फैसल को, हर चीज़ों को बहुत पुख्ता तौर पे, यानी स्ट्रांगली वो फेस करते हैं हर चीज़ों को और सामने आके वो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं।
लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो सही बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और ये चीज़ का मैं, ये जो मैंने बंद किया, आप यकीन माने मैं फैसल से ही, आर के गोट फार्म वाले फैसल भाई से ही इंस्पायर होके मुझ में इतनी हिम्मत आई। नहीं तो आज आप एक ज़माने से मैं इतना पुराना काम करने वाला हूँ, मैंने कभी कोई चीज़ हिम्मत नहीं कर रहा था, मैं बहुत बचता था ये सब चीज़ों से जो बकरे के अंदर। और ये चीज़ अभी आप सामने देख भी रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो बकरे बेचने वाले हैं फेसबुक पे इस पे उस पे मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ पहले जानता था, मुझे मालूम था कि ये होना है, क्योंकि सारों का धंधा बंद हो गया है। और मैं अभी भी यही चीज़ बता रहा हूँ कि वो लोगों का इसमें ही फ़ायदा है, लेकिन वो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्टेड है, लॉन्ग टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बकरा बेचने का जो मामला है वो लोगों का बोलना, वो सब चीज़ों के ऊपर भी कई टॉपिक ऐसी है हम लोग जो बात करते हैं, तो वो चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा से कुछ मैसेजेस पढ़ लूँ। हमारा एक मेरा छोटा भाई है दानिश, वो भी गोट फार्म है, डी गोट फार्म है, मेरे खड़ी गांव में ही है मुमरा में, और माशाल्लाह बहुत इज्जत करता है मेरी बच्चा। तो उसने भी बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया इस मामले में, उसका मैसेज भी आप देख लें, इसमें साइड में मैं दे दिया हूँ। गुड डिसीजन ब्रदर, और बहुत अच्छा काम किया आपने लोगों को ये ऑन स्क्रीन बता के कि बीमारियाँ चल रही है और बढ़ रही है। वेरी हेल्पफुल वीडियो कस्टमर कस्टमर्स एंड ऑल्सो फॉर फार्मर, यानी कस्टमर के लिए भी ऑल्सो फॉर फार्मर के लिए भी। और उनको वो किसी ने मैसेज भी किया था, तो उन्होंने बहुत जेन्युइनली जवाब दिया है कि वैक्सीनेटेड जो उनके फार्म पे होंगे वो सेल करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो दानिश को भी बहुत बहुत शुक्रिया ये चीज़ के ऊपर। बहुत सी बीमारियाँ, नासिक का भी शायद मैंने बता दिया है, ये 2 लाख वाली भी आई थिंक राजस्थान का है। एक अहमदनगर से डॉक्टर करजुले करके है, डॉक्टर संतोष करजुले अहमदनगर के, इन्होंने मुझे कॉल किया था जो दिन मैंने वीडियो डाला, उसके वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही उनका कॉल आया। वो भी ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर, जो अहमदनगर साइड जो फार्म है वो उनको माल सप्लाई करते हैं। तो उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी सेम चीज़ बताई, वो लगभग 1 महीना 15 दिन से ये चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, और काफ़ी स्टॉक उनके पास मरा है, और वो काफ़ी ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान में आ गए। अब होता ये है कि काफ़ी लोग मुझे भी ये चीज़ के ऊपर बोले थे कि वैक्सीनेटेड माल नहीं होता है, बगैर वैक्सीन किया हुआ माल बेच देते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगा ही, लोगों को बताना चाहिए वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं किए है। तो भाई मेरे, एक्चुअली आप लोग शायद मुझे फॉलो ही नहीं करते यूट्यूब पे, और मेरी वीडियो शायद खाली देखते नहीं होंगे कि आसिफ भाई की वीडियो, उसको हटा दो। तो वीडियो देखो आप, तो मालूम पड़ेगा हम लोग क्या बोलते हैं। वीडियो में हर चीज़ क्लियर होती है कि हम लोग जो माल लाते हैं हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़ है, कट्टू का माल लाते हैं आसिफ भाई, कट्टू का माल। अच्छा ये एक एक्चुअली लोगों को कुछ बोलने को मिल रहा है, तो कट्टू का माल चल रहा है। कट्टू का माल कौन तोतापुरी लाता है? तोतापुरी के इतने क्वालिटी के बच्चे आ रहे हैं, गुजरी के इतनी क्वालिटी के बच्चे, कोटा का माल, ऐसे ऐसे कोटा के माशाल्लाह बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा बोलने के लिए मुँह तो अल्लाह ताला ने दे दिया। अच्छा जितने लोग बोल रहे हैं, मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ जिम्मेदारी से, ये कोई कस्टमर नहीं है मेरा, ना मेरा कोई फॉलोअर है, ना यूट्यूब से कोई सब्सक्राइबर है। ये आप उनका फेसबुक पे देखें, सारे बकरा बेचने वाले हैं, 1, 2, 5 बकरा बेचने वाले हैं। शायद मेरी वजह से इनको तकलीफ़ हो गई है, इनका माल बिकना बंद हो गया है। अब उसका वो रिएक्शन तो मेरे ऊपर आएगा ही काफ़ी लोग, लेकिन मैं खुश ये हूँ, इतनी खुशी ये है कि मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे कस्टमर है, और जो बकरा पालने वाले हैं, उन्होंने इतनी दुआएं दी है, इतनी दुआएं दी है। मैं सिर्फ मैसेजेस पढ़ते रहता हूँ, इतना माशाल्लाह ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, इतनी दुआएं मिलती है, यानी एक काम करने से हमें इतनी दुआ मिलती है, तो ऐसे हेटर्स का तो बहुत, मैं कई मैसेजेस है ऐसे ऐसे मैसेजेस मैं आपको बताऊं, लोगों ने गालियां दी है मुझे लिटरली, और ये सारे बकरा बेचने वाले हैं। अच्छा बकरा बेचने वालों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिए है, हम लोग आपके साथ है। ऐसे भी कई लोग हैं। अभी एक मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक रेहान पिंजारी है,
अगर ऐसी बात है तो फिर भाई आपसे बड़ा, आपसे बड़े बड़े फार्म वाले भी हैं जो जेन्युइन लोग इतने बड़े लेवल पे, उन लोगों ने तो कुछ नहीं बोला और सब बकरे माशाल्लाह से सही है, शायद आप ही प्रॉब्लम में हैं। यानी इसका भाई का बोलना ऐसा है कि सिर्फ प्रॉब्लम मेरे फार्म पे है और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े बड़े फार्म। एक्चुअली अंदर का हाल अल्लाह जानते हैं और ज़्यादातर लोग ये सब चीज़ें छुपाते हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, आप लोग ये चीज़ समझिए, कोई अपने फार्म की बुराई क्यों बताएगा? चोर का भी बोलेगा मैं चोर हूँ, लेकिन हमने हिम्मत की आप लोगों के लिए। मेरा एक डिसीज़न शायद ही आज मार्केट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है नए परचेज़ करने के लिए, और मैं एक महीने का जो टाइम दिया हूँ। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ लोगों का मैसेज आया कि एक महीने के बाद अगर कुछ होएगा तो जिम्मेदारी आप लोगे ये चीज़ की, यानी एक महीने के बाद अगर बकरे को कुछ हुआ, इन्फेक्शन आया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो आप लोगे। भाई आप लोग कॉमन सेंस यूज़ करो, वायरल फैला हुआ है निमोनिया का, जो निमोटाइटिस का वायरल है, हमें उससे बचाव करना है। वो एक महीने का हमने एक पीरियड, 20 दिन 25 दिन एक महीना एक पीरियड, हम कोशिश ये करें कि नया माल हमारे होता ही है। देखो आप एकदम कॉमन सर, एकदम आसान में भाषा में समझाता हूँ, आपके पास 50 बकरे हैं, आज मेरे पास 50 बकरे हैं, इसमें से 10 बीमार है। मैं अगर वो चीज़ को वहीं स्टॉप कर देता हूँ, फार्म पे नया माल लाना बंद कर देता हूँ, मैं फार्म पे अगर न्यू एंट्री बंद कर देता हूँ, तो मेरी बीमारी वो 10 बकरों में ही सिमट के रह जाएगी। और वो जब तक अच्छे होते हैं उनमें से जो कैजुअल्टी होती है और जो अच्छे होते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे ख़त्म होती है। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक है, कीटनाशक का छिड़काव है, सब फार्म पे करते उसके, और वो होते होते भी 15-20 दिन महीना भर चले जाते हैं। यानी नया स्टॉक इन, इसके अंदर अगर आप फिर नए बकरे लाते तो वो जो 10 बीमार है उसके साथ आने वाले भी इन्फेक्टेड होंगे, फिर वो बीमार होंगे, फिर इनको और 15-20 दिन महीना भर संभालो, फिर नया माल आ रहा है। तो हो रहा यही था कि हम लोग धंधा बंद नहीं कर रहे थे, माल कंटिन्यू मंगा रहे थे। मैं बेचने वालों की बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू माल मंगाया जा रहा था, बीमारियाँ आ रही थी, रुक रही नहीं थी। हमारे इधर भी कैजुअल्टी हुई काफ़ी, हमको एहसास हुआ कि नहीं यार ये चीज़ें बंद करनी चाहिए, तो हमने बंद किए। इसके ऊपर भी ऐसा है, धंधे की एक नई टेक्निक लेके आ गए आसिफ भाई ने, लोगों को चूतिया बनाने का धंधा चालू हो गया। माफ़ करना मैं लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे गाली आई है, कैसे कैसे मैसेजेस हैं कि नई नई ट्रिक लेके आते रहते आसिफ भाई लोगों को सी बनाने के लिए। भाई पब्लिक बहुत शानी है, सबको सब आता है, आपके बोलने या मेरे बोलने से कोई बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है। तो बात ये है कि लोगों को थोड़ा सी सब्र करना चाहिए, और मेरे बेचने वाले भाई लोग भी थोड़ा सी सब्र करें यार, खुद कॉमन सेंस यूज़ करें। तुम्हारा बकरा अभी ये पोजीशन में जिसके पास जाता है बिकने के बाद, अल्लाह ना करे वो बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो मामला तुम्हारे आंग पे आएगा। अब एक चीज़ और है कि बकरा बेचने के ऊपर के बम्बई में, मेरे बकरे बम्बई में मैं बेचता ही नहीं हूँ, मैक्सिमम 10% 8% बकरे मेरे सिटी में बिकते होंगे। मेरे 90-92% ग्राहक, मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ, सारे ग्राहक मेरे आउट ऑफ बॉम्बे के हैं, सारे फार्म वाले हैं। कई फार्म वाले ऐसे हैं जो ले जाते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उनके बकरे सेहतयाब हैं, जो लेकिन लोकल में गए उनके ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा इसलिए आया कि यहाँ वैक्सीन पॉसिबल नहीं हो पाती एक बकरे दो बकरे पे। और हम लोग क्यों वैक्सीन नहीं करते, उसकी भी वजह यही है कि हमारे पास माल आज आया है, डीवर्मिंग हुई नहीं हुई, जैसा ग्राहक होता है हम उनको बता देते हैं। वो बकरा लेके जाते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि आप लोग कुछ ग्रुप बना के एक बकरे जमा करो, उसका वैक्सीन आप जैसा पॉसिबल हो डॉक्टर को बुला के कर लो। अब मैं वैक्सीनेटेड माल कैसे बेच सकता हूँ, और दूसरे फार्म वाले कैसे बेच सकते हैं, यानी जो ट्रेडिंग कर रहे ला रहे हो बेच रहे, फार्म वाले इन द सेंस जो ला रहे और बेच रहे, वो कैसे बेच सकते हैं आप ये बताएं ना। और बॉम्बे में तो मेरा माल बिकता ही नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में होता ये है कि जितने पहले बकरा पालने वाले थे आज सारे बकरा बेचने वाले हो गए हैं। आप हर गली में गुजरेंगे तो जो दो बकरा पहले पालता था वो दो में या तीन पालता, एक घर की कुर्बानी करता दो बेचता है, तो वो मेरे से तो लेते नहीं है, वो तो डायरेक्ट मंगाते हैं। जब वो डायरेक्ट मंगाते हैं तो मेरा और उसमें कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। और जहाँ तक कि ये सब मामला है, मैं कट्टू का माल बेचता हूँ, तो ऐसे कट्टू कौन सी दुकान पर कट्टे हैं वो बता दो, मैं राजस्थान से मंगाने के बदले वो दुकान से ख़रीद लूँ। तो कट्टू का मतलब, अच्छा
एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी एज मैं देखता हूँ उनके उसमें प्रोफाइल में जाके 18 साल 17 साल मेरे बेटे की उम्र के हैं, और उतनी बदतमीज़ी से उन्होंने उनकी बातें होती है कि सी बना रहा है बकरे के लिए। अरे भाई बड़ा छोटा देखो, क्या एज है वो देखो, बाप की उम्र का हूँ तुम्हारे, 18 साल के तुम हो, कितनी लैंग्वेज तुम्हारी ख़राब है। चाहने वाले भी बहुत है माशाल्लाह यार, ये एक खुशी होती है अपने को, चाहने वाले भी हमारे पास बहुत है और बहुत अच्छा अच्छा। ये द गोट फैक्ट्री TGF है, आसिफ STD वन ऑफ द लीडिंग गोट फार्म ट्रेडर फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years। नेगेटिव पॉइंट्स कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सभी में होते हैं, बट आप एक आइडियल हो सभी के लिए जो गोट फार्मिंग के लिए लाइन में हैं या चाहते हैं आना चाहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये एक भाई हमारे लंदन से है, मोहसिन M पटेल। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं लंदन से हूँ मोहसिन पटेल, आपका बिगेस्ट फ़ैन फ्रॉम लास्ट 4 years आई एम फॉलोइंग यू। भाई आप बहुत ईमानदारी से बिजनेस करते हो, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे और इस ईमानदारी के बदले दुनिया और आखिरत में दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारी जीत है, जो ये लोग होते हैं जो हमें सुनते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, कई लाख लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं बकरा बेचने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बेचें, अपने रिस्क पे बेचें। मेरे कुछ बात भोपाल में भी हुई थी, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं काफ़ी अच्छे करीबी दोस्त हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बोला भाई आपकी वजह से हमारा बिज़नेस ख़राब होगा। आप यानी ऐसे बंदे हो जिनको हम बहुत मानते हैं, आपने ऐसा क्यों डिसीज़न लिया? तो मैं बताया उनको भी कि भाई प्रॉब्लम देखो, आप खुद समझो, आप धंधे वाले हो, आपके बकरे बम्बई आए, आने के बाद बीमार होकर मर जाएंगे तो आपका नाम ख़राब होगा। आपके बकरे बीमार होकर मर जाएंगे तो नाम आपका ख़राब होगा, नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपसे बकरे नहीं लेगा। तो थोड़ा सी आप एहतियात करो, बॉम्बे में जो बीमारी चली है, भोपाल में शायद नहीं है लेकिन बॉम्बे में जो चली है, तो मैं वो चीज़ के लिए आपको उनको बताया, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि ये बात सही है कि उनको बकरा सिर्फ बेचना है, बॉम्बे में उनका काम चालू है, वो बकरे इधर आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ अगर बीमार होकर मर जाते हैं तो आपका ग्राहक ख़राब होता है। तो लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आता है, कुछ लोग इसका इफ़ेक्ट कुछ अलग तरीके से लेते हैं कि आपके वीडियो से पूरी मार्केट में धंधा बंद हो गया है। तो कुछ टाइम के लिए लोगों को, मेरे हिसाब से देखो, आपको धंधा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी चीज़ है, आपका फार्म है या आप जो एक दो बकरे बेचते हैं, तीन बकरे बेचते हैं, वो आपकी चीज़ है, आप बेच सकते हो, मैं आपको रोक बिल्कुल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती है, मैं उनको समझा सकता हूँ कि आप लोग एहतियात करें कुछ दिनों के लिए, महीना भर 15 दिन 20 दिन, लेकिन कुछ दिनों के लिए एहतियात तो करें। जब ऐसा लगे माहौल कि बीमारियाँ थोड़ी सी स्टेबल है, कुछ हमको समझ में आता है, तो हम कर सकते हैं। अब वो एक महीने बाद मैं ज़िम्मेदारी लूँ कि बीमारी नहीं रहेगी, तो मैं कैसे वो सब चीज़ें बता सकता हूँ? आप लोग कॉमन सेंस यूज़ करें, मुझ में मैं कैसे बोल सकता हूँ एक महीने के बाद बीमारी रहेगी या नहीं रहेगी? तो ये सब ऐसे क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन पूछना बेवकूफ़ी है। बीमारी जो चलती है अभी, हमारी ये सब बीमारियां भी जो चल रही थी, लॉकडाउन हमें पहला 15-20 दिन का मिला, 18 दिन का मिला, वो बढ़ते 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 कितना दिन लॉकडाउन हुआ, हमको तो मालूम पड़ा था कि 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ों को पर ध्यान ना दें और अपनी मर्ज़ी अपने दिमाग से सही जो आपको समझ में आता है वो करें, ना मेरे बोलने पे ना किसी और के बोलने पे चलें, जो आपको समझ में आता है, बेहतर आपको लगता है, वही डिसीज़न लें, वही काम करें। मेरा काम समझाना था, मैं आपको समझा चुका हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे मुझे कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कारोबार है, मैं मेरा कारोबार इंशाल्लाह हमेशा लॉन्ग टर्म तक का करते रहूँगा इंशाल्लाह। एक चीज़ और मैं बोल दूँ, लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था जैसे डीवर्मिंग वाली में, कि जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, उसका जवाब जो कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो लोग हमारे बारे में कहते हैं, अगर आपको हमारी बातें सही लगती है, आपको लगता है कि हम सही हैं और हम सही ट्रैक पे बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें उनका जवाब आप दें, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। लास्ट वीडियो में लोगों ने काफ़ी ये चीज़ के ऊपर ध्यान दिया और लोगों ने उसका जवाब दिया, तो ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा सी कॉन्सेंट्रेट करें,
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जवाब देंगे तो खुशी मुझे ज़्यादा होगी। बाकी इंशाल्लाह फिर कुछ ना कुछ रिलेटेड हम लोग, तो वैक्सीन वैक्सीन का भी हमारा कुछ है आजकल में, वैक्सीन के बारे में भी हम लोग एक वीडियो बनाना है आजकल में, तो वो भी है। ईटी की वैक्सीन आने वाली है, ईटी भी शायद हम लोग अभी एक दो दिन में करना है। तो ऐसी बहुत सी वैक्सीन के बारे में भी, क्योंकि प्रॉपर एक महीना मुझे टाइम मिल गया, एक महीना 10 दिन 20 दिन 25 दिन जो भी अभी का है, 10-15-20 दिन, तो मुझे मेरे फार्म को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए टाइम है। इसके लिए हम लोग आगे इंशाल्लाह करेंगे। तो ये वीडियो में कमेंट्स आप डालें, बताएं कि मेरा क्या, आपको कैसा लगता है। हमारे फीडबैक भी अच्छे अच्छे काफ़ी आपके हैं, आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेके, तो मज़ा आएगी इंशाल्लाह। और बाकी फेसबुक पे भी आप जाके देख सकते हैं हमारे बारे में, हमें पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है फेसबुक से। तो इंशाल्लाह हमारा मेन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, और हम यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।